नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अनिष्का का किचन में। आज का जो मौसम है बहुत अच्छा है, आज हम आपके लिए कटहल का अचार बनाएंगे। तो चलिए चलते हम कटहल के पेड़ की तरफ कटहल तोड़ने। चलिए हम कटहल के पेड़ के पास आ गए हैं, कटहल को हम तोड़ लेते हैं। कटहल को हमने तोड़ लिया है। ये कटहल लगभग 5 किलो का है, इसको हम उठा लेते हैं और चलते हैं घर की तरफ कटहल लेके। अब हम घर पर आ गए कटहल लेकर, तो हाथों में सरसों का तेल लगाते हुए कटहल को हम काटेंगे। हाथों में तेल लगाने से जो इसका दूध होता है चिपकता नहीं है हाथ में। इसको पहले हम 20 से 2 भाग कर लेते हैं काट कर। चलिए इधर हम 1 भाग को भी काट लेते हैं। इसके 2 टुकड़े करके इसका हम छिलका उतारेंगे। इसके बीच का जो भाग होता है कड़ा, उसको हटा लेते हैं। सभी को हम इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। कटहल के टुकड़ों के ऊपर हम पानी डाल देंगे, जिससे हमारे कटहल कटे हैं वो काले ना पड़े। ये देखिए, हमने सारा कटहल को इस तरीके से काट लिया है। चूल्हे में जलाएंगे ईंधन को। चूल्हे के ऊपर रखेंगे एक बड़ा पतीला, इसमें हम पानी डालेंगे। पानी हल्का हमारा गुनगुना हो रखा है, तो इसमें धुला हुआ हम कटहल डाल देते हैं। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। और नमक डालने के बाद इसको चला देते हैं और थाली से ढक देंगे उबलने के लिए। कटहल में हमारे उबाल आ गया है, इसको हम 15 मिनट तक ऐसे ही उबालेंगे। कटहल को हमने उबाल लिया है, इसको पानी में से छानकर अलग निकाल लेते हैं। इसको हम एक बड़े थाली में फैला लेंगे। इसको हम धूप में सूखने के लिए रख देंगे, जब तक कि इसका पानी सूख न जाए। चूल्हे पर रखेंगे कढ़ाई, मसाले हम भूनेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम सरसों को भून लेते हैं।
सरसों को हमने भून लिया है, इसको कटोरी में उतार लेते हैं। इसमें भुनेंगे हम मेथी। मेथी को भी हमने भून लिया है, इसको भी हम बर्तन में निकाल लेते हैं। अब भुनेंगे हम जीरा। जीरा को भी हमने भून लिया है, इसको भी हम एक कटोरी में हटा लेते हैं। इसमें भुनेंगे हम मंगरैल। मंगरैल को भी हमने भून लिया है, इसको भी हम कटोरी में हटा लेते हैं। सौंफ को भी हम भून लेते हैं। सौंफ को भी हमने भून लिया है, इसको भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। साबुत धनियों को भी हम भून लेते हैं। साबुत धनियों को भी हमने भून लिया है, इसको भी हम थाली में हटा लेते हैं। सभी मसालों को हमने भून लिया है। सिलबट्टे पे हम सभी मसालों को थोड़ा थोड़ा लेते हुए सभी को हम पीस लेते हैं। मसालों को हमें दरदरा ही पीसना है अचार बनाने के लिए, इसको ज़्यादा हमें बारीक नहीं पीसना है। तो इस तरीके से पीसते हुए हम एक प्लेट में उठा लेंगे। बाकी मसालों को भी हम ऐसे मिलाते हुए पीस लेते हैं। कढ़ाई में डालेंगे हम सरसों का तेल। आप देख सकते हैं कि कटहल का पानी एकदम सूख गया है। तेल भी हमारा हल्का गर्म हो गया है। इसमें हम सूखा हुआ कटहल डालेंगे। इसको हम एक बार चला देंगे। चलाने के बाद डालेंगे हल्दी पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे इसमें। इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर। जो हमने सिलबट्टे मसाले पीसे थे दरदरे, वो डालेंगे इसमें। इसमें हम नमक डालेंगे। यहाँ पर हम नमक की मात्रा को थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि अचार में नमक की मात्रा ज़्यादा रहता है। थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे सिरका। कुटी हुई साबुत लाल मिर्च भी डालेंगे इसमें। इसको हम अच्छे से मिला देंगे।
सभी मसालों को अच्छे से हमने मिला लिया है। इसको एक बर्तन में हम निकाल लेते हैं। मसालों को हमने मिला लिया है। इसमें हम सरसों का तेल डालकर एक जार में हम भरेंगे। इसको हम 7 से 8 दिन तक धूप में सुखाएंगे। 7-8 दिन बाद हमारा अचार खाने लायक हो जाएगा। ये था हमारा कटहल का चटपटा अचार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।